हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन खजाना विद मनीषा। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर और आलू की बहुत ही खस्ता पूरी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए इसे बनाना कैसे है मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी गेहूँ का आटा लिया है और एक चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है, दो टमाटर लिए हैं, टमाटर आपको अपने आटे के हिसाब से ही लेना है, और एक चम्मच मैंने कस्तूरी मेथी लिया है, कस्तूरी मेथी की जगह पे आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, और दो उबले हुए आलू लिए हैं। तो हमें सबसे पहले अपने टमाटर की प्यूरी बनानी है। तो मैं टमाटर को पहले कट करूँगी, उसके बाद से इसकी प्यूरी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास रेड वाले टमाटर हैं तो उसकी ही प्यूरी बनाएं, तो आपकी जो प्यूरी बनेगी वो बिल्कुल रेड रेड बनेगी। और मैंने ये आलू को भी पूरा मैश कर लिया है अच्छे से। तो अब मैं सबसे पहले आटे में आलू को डालूंगी और फिर कसूरी मेथी और अजवाइन को भी डाल देना है और नमक यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ आधे चम्मच, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर भी डालूंगी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है और इन्हें अच्छे से प्यूरी के साथ आटे को गूंथना है। थोड़ा थोड़ा ही प्यूरी डालें, एक बार ना डालें नहीं तो गीला भी हो सकता है। और कोशिश करें फ्रेंड्स कि सिर्फ प्यूरी से ही आटा को गूंथे। तो देखिए मैं आटा कैसे गूंथ रही हूँ, क्योंकि मुझे पानी नहीं डालना पड़ा है इसमें, मेरी प्यूरी से ही पूरी आटा गूंथ गई है। अब इसमें हल्का सा ऑयल लगा करके इसे 10 मिनट के लिए हम रख देंगे, उसके बाद हम पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेरे 10 मिनट हो गए, अब मैं इसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी। पूड़ियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले छोटे छोटे इसके लोई बनाएंगे। छोटे छोटे लोई बना करके फिर इसे हमें इसकी पूड़ियाँ बनानी है। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए मैंने इसे पहले ऑयल लगा लिया है ताकि मेरी जो पूड़ी है वो हमारे चौकी में ना चिपके। तो अब ऐसे पूड़ियों को बना लेना है। देखिए मेरी इतनी पूड़ियाँ बन गई। तो मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। तो मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं पूड़ियाँ डालना स्टार्ट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं। इसे दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, ये टमाटर डालने की वजह से ही ऐसा कलर आता है। मैं सारी पूड़ियों को ऐसे ही फ्राई करूंगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप इसे शाम के चाय के साथ भी खा सकते हैं और आप सॉस या फिर किसी भी चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये। तो हमें सारी पूड़ियों को ऐसे ही फ्राई करना है। तो मेरी सारी पूड़ियाँ लगभग फ्राई हो गई हैं, तो मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं फ्रेंड्स, इसे आप एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी खस्ता बनी है, बहुत ही खस्ता बनती है। फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।